नमस्कार मित्रों, जो लोग मेरे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करेंगे, अगर अच्छा नहीं भी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगा। चलिए आज मैं जिस आसन के बारे में बात कर रही हूँ वो आसन है सेतु बंध आसन। इस आसन का अभ्यास सभी उम्र के लोग आसानी से कर सकते हैं और इसका अभ्यास करने में भी बहुत सरल है। इस आसन के बेनिफिट्स बहुत अधिक है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जो लोग बैकएक के कारण बैठ नहीं सकते वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और अपने कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। पीठ दर्द हो, कमर दर्द हो, कुछ भी हो, पूरा इसके अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ इसका क्या क्या लाभ है। सबसे पहले तो इसका लाभ है थायराइड और टॉन्सिल में, क्योंकि जब हम इस आसन को बनाते हैं तो सबसे पहले हमारी जो चिन है वो गर्दन में जाके ऐसे लग जाती है, तो उससे थायराइड और टॉन्सिल जो यहीं पर ग्लैंड है वो दबती है। एक बार वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, जब हम रिलैक्स होते हैं तो वहाँ तेजी से फ्लो होने लगता है ब्लड, जिससे उस ऑर्गन को अधिक ब्लड मिलता है और वो धीरे धीरे अपना कार्य और अच्छा कर लेती हैं। उसके बाद इसी आसन के अभ्यास में हम पीठ को ऊपर उठाते हैं तो लंग्स हमारे और अधिक खुलते हैं। लंग्स खुलेंगे, आप लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंग्स में अधिक से अधिक ऑक्सीजन जाएगी तो लंग्स भी हेल्दी होंगे। इसके बाद आप पीठ उठाते हैं, इसमें पीठ भी उठती है, पीठ उठाने से पीठ और कमर के दर्द में आराम मिलता है, क्योंकि पीठ की मसल्स में एक प्रेशर आता है जिससे वो धीरे धीरे वहाँ रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। तो ये पीठ दर्द, आपको लंग्स, थायराइड, टॉन्सिल, इसके बाद इसके और लाभ हैं। आप जब मैंने बोला कि इसमें कमर और पीठ पूरा उठता है, पोज करके बताऊंगी तो आप देख लेना, तो पैल्विक रीजन की मसल्स मजबूत होती है जिससे यूट्रस हेल्दी होता है, यूटीआई की समस्या दूर होती है। यूट्रस से संबंधित सभी रोगों में ये लाभ पहुंचाती है। इससे दूसरा और भी लाभ है, बटक का फैट खत्म होता है इसके अभ्यास से और थाई का फैट भी, थाइस के फैट भी दूर होते हैं। तो मैंने आपसे बोला था ना कि आसन तो ये एक है लेकिन इसके बहुत सारे लाभ है। इतने सारे लाभ को जानकर निश्चित रूप से आप भी इसे करना चाहेंगे और करना चाहिए, क्योंकि इसके अभ्यास से जहाँ आपका फैट कम होता है, इतने सारे ऑर्गन हेल्दी होते हैं, तो हम जरूर करेंगे। मैं आपको करके बताती हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने जमीन के साथ मैट के ऊपर बिल्कुल सीधे लेट जाए, लेटने के बाद अपने हील को हिप से सटा दें, हथेली को भी यहीं रख दें और हम सांस भरते हुए जब उठेंगे तो इतना उठेंगे कि चिन और गर्दन की जड़ में चिन चली जाएगी। ये देखिए, कुछ देर रुकेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। इसको जब आप आसन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि देखिए आपके इसके मतलब थाई मसल्स पर भी प्रेशर आ रहा है, बटक पर भी आ रहा है, कमर की सारी मसल्स के ऊपर प्रेशर है, पैल्विक रीजन की मसल्स भी स्ट्रांग होगी इसके अभ्यास से और लंग्स आपका पूरा खुला है और चूंकि गर्दन आपकी यहाँ चिपकी हुई है तो थायराइड और टॉन्सिल पर भी एक प्रेशर आ रहा है। जब रिलैक्स होंगे तो आंखें बंद करके थोड़ी देर ऐसे लेटेंगे। जल्दी जल्दी बार बार इसका अभ्यास नहीं करेंगे, एक बार अभ्यास किया उसके बाद कुछ देर रिलैक्स होना होगा। रिलैक्स होकर लंबी गहरी सांस लें, शरीर को शिथिल करें, जब लगे कि हाँ अब मैं अभी इसका दोबारा भी अभ्यास कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो इसका अभ्यास शुरू कर दें। ऐसा 2 से 3 बार आप आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि एक बार के अभ्यास में आपको उतना समझ में भी नहीं आएगा, बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे, तो 2-3 बार इसका अभ्यास करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको करके भी बता देती हूँ कि देखिए ऐसे लेटा
लेटने के लिए पहले करवट में जाएं, फिर सीधे हो जाएं, क्योंकि तो कमर दर्द वाले सीधे नहीं लेट सकते, उन्हें बैठ के सबसे पहले ऐसे करवट में बैठना, लेटना पड़ेगा, फिर सीधे होना पड़ेगा। ऐसे होने के बाद यहाँ हिप को, हिप के पास हील ले आएंगे, अपनी एड़ी यानी बिल्कुल यहाँ से सटा के रखेंगे। अब उठेंगे तो अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ लें, हाथ बिल्कुल सीधे, आंखें बंद, ध्यान वहीं पर जहां प्रेशर फील कर रहे हैं। आप सबसे ज्यादा प्रेशर तो बैक पर ही फील कर रहे हैं, तो अपने ध्यान को वहां ले जाए, जहां आपको अधिक प्रॉब्लम है वहां पर अपने ध्यान को जरूर ले जाए, क्योंकि ध्यान की शक्ति वहां जाती है तो प्राण ऊर्जा भी वहां जाती है। अगर आप थायराइड टॉन्सिल के लिए कर रहे हैं तो गर्दन पे ले जाए, लंग्स के लिए कर रहे हैं तो लंग्स पे ले जाए, और उसके बाद रिलैक्स इसी तरीके से होंगे। रिलैक्स होने के बाद आप आराम से करवट बदले और अपनी जगह पर उठ के बैठ जाए। तो आज मैंने आपको सेतु बंधनासन के करने का तरीका, इसके बेनिफिट्स बताए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, जो पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक ही बार सब्सक्राइब करने से आपको मेरा वीडियो बहुत जल्दी दोबारा भी मिलेगा, और पसंद आए तो लाइक करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।